दोस्तों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे गुरमीत राम रहीम सिंह और बीजेपी के, और नेसेसरीली हरियाणा में जो बीजेपी सरकार के वर्कर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर है, उनके गुरमीत राम रहीम सिंह जी के साथ कुछ काफ़ी गहरे संबंध हैं। काफ़ी अच्छे गुरमीत राम रहीम सिंह जी के साथ उनके संबंध नज़र आते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान जो खुद को MSG यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, भगवान का संदेश पहुंचाने वाला। कहने को तो ये एक डेरा सच्चा सौदा के हेड हैं, जो एक सोशल ग्रुप है। अब आप सभी को इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा ये ग्रुप कितना सोशल है और कितना दूध का धुला हुआ गुरमीत राम रहीम सिंह है। अब उसके कुछ फॉलोवर्स होंगे जो इस वीडियो पर आएंगे और नीचे काफ़ी खूबसूरत कमेंट करेंगे, और उन कमेंट्स के जरिए हम समझ जाएंगे कि आप किस मेंटेलिटी के लोग हैं। ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज के इशू पर बात करते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह जी की पैरोल में एक पैटर्न देखा गया है। पैटर्न क्या है? जैसे जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों में इलेक्शंस आते हैं ना, उसी टाइम पीरियड पर ही गुरमीत राम रहीम सिंह जी को पैरोल या फरलो दी जाती है। आइए आज बात करते हैं कनेक्शन बिटवीन गुरमीत राम रहीम सिंह एंड हरियाणा गवर्नमेंट। पहले बाबा जी के बारे में बात करते हैं। बाबा जी का बड़ा ही गहरा, बड़ा ही धार्मिक इतिहास है अकॉर्डिंग टू देयर फॉलोवर्स। दोस्तों अप्रैल 29, 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। 23 सितंबर 1990 को गुरमीत राम रहीम सिंह जी को उनको इसका हेड बना दिया गया, जब ये 23 साल के थे। यार मैं इसको बार बार जी क्यों बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, डेरा सच्चा सौदा काफ़ी पुराना डेरा है और इससे लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। 1990 के बाद 2002 तक सब सही चला, लेकिन 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिससे गुरमीत राम रहीम की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी। साल 2002 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और हरियाणा पंजाब कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक एनोनमस यानी गुमनाम चिट्ठी आती है, और उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था जिससे गुरमीत राम रहीम का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि डेरा सच्चा सौदा की गुफा में गुरमीत राम रहीम सिंह ढेर सारी लड़कियों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक लड़की ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उस लेटर में लिखा हुआ था। एग्जैक्ट लेटर की कुछ वर्डिंग्स ऐसी थी कि मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन ये जो लेटर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये वो एग्जैक्ट लेटर था। इस लेटर का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पढ़ना आप सभी एक बार जरूर इस लेटर को। लेटर में लिखा हुआ था कि गुरमीत राम रहीम सिंह हमारे जैसी कई सौ लड़कियों के साथ गलत हरकत करता है, उन्हें एक एक करके अपने पास बुलाता है और गलत हरकत करता है। जिस लड़की ने यह लेटर लिखा था उसने इस लेटर में लिखा कि मैंने उनसे पूछा कि हम आपको परमात्मा समान मानते हैं, आप फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गुरमीत राम रहीम सिंह खुद को श्री कृष्ण से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि उनकी 360 गोपियाँ थी और वो उनके साथ हर रोज प्रेम लीला करते थे, फिर भी लोग उनको परमात्मा मानते थे। गुरमीत राम रहीम उस लड़की को कहता है कि अब मैं चाहूँ तो अभी मेरे पास रखी हुई पिस्टल से तेरा मैं भेजा उड़ा दूँ, तेरे प्राण पखेरु कर दूँ और तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। मुझसे तेरे घर वाले एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो मेरे अंध भक्त हैं, वो मेरी भक्ति में इतने लीन हैं कि वो मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछेंगे। हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट के बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री मेरे पैर छूते हैं, सरकार भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों गुरमीत राम रहीम जैसे लोग और जो लोग इन जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, इनकी बात सुनते हैं, इनसे बड़ा देश और धर्म का दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों प्रधानमंत्री और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के जस्टिस को जब ये लेटर गया तो हाईकोर्ट ने सिरसा के डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स को कहा कि इस मामले की जांच की जाए। 2002 में लेटर आया था, मैटर CBI को सौंप दिया गया। 5 साल बाद 2007 में इस मामले पर चार्जशीट दायर हुई और CBI के स्पेशल कोर्ट ने अगस्त 2017 में गुरमीत राम रहीम को रेप और क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए दोषी घोषित कर दिया गया। खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाला रेपिस्ट निकला जिसने दो लड़कियों के साथ गलत हरकत की।
स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुना दी। जैसे ही राम रहीम को दोषी घोषित कर दिया, राम रहीम के सो कॉल्ड फॉलोवर्स, उनके भक्त, उनके बच्चे, उन्होंने हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में दंगे शुरू कर दिए, जिन दंगों के चलते 41 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राम रहीम के कारनामे यही नहीं रुकते हैं। सिरसा के एक जर्नलिस्ट थे रामचंद्र छत्रपति। 24 अक्टूबर 2002 को रामचंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने गुरमीत राम रहीम के डेरे में होने वाले सच को अपने न्यूज़पेपर में छाप दिया था। 2002 में रामचंद्र की हत्या हुई, 2003 में केस रजिस्टर हुआ और 2006 में सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया गया। और इस केस में भी अगस्त 2019 में गुरमीत राम रहीम सिंह, उनके कुछ साथी जैसे कृष्ण लाल, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह, आईपीसी की धारा 302, 120B, आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 और 29 के तहत इनको दोषी करार दे दिया गया। खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहने वाला, खुद को भगवान से कंपेयर करने वाला गुरमीत राम रहीम रेपिस्ट भी और हत्यारा भी। दोस्तों, गुरमीत राम रहीम के कारनामों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने भी कहा है कि इन्होंने जानवर जैसा बर्ताव किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरमीत राम रहीम के पैरोल पैटर्न की। इस पैरोल पैटर्न को द प्रिंट ने एक इमेज के थ्रू बड़ा अच्छे से समझाया है। स्क्रीन पर आप इमेज देखिए। 2020 में 24 अक्टूबर को एक दिन की इमरजेंसी पैरोल ली गुरमीत राम रहीम ने। 2021 में 21 मई को एक दिन की इमरजेंसी पैरोल फिर से ली राम रहीम ने। 2022 को देखिए, 7 से 28 फरवरी 21 दिन की फरलो क्यों ली गई? क्योंकि पंजाब में असेंबली इलेक्शंस थे, उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए गुरमीत राम रहीम को बाहर निकाला गया। 2022 में 17 जून से लेकर 18 जुलाई तक 30 दिन की पैरोल गुरमीत राम रहीम को दी गई। क्यों? क्योंकि हरियाणा में म्यूनिसिपल इलेक्शंस थे। 2022 में 15 अक्टूबर से 25 नवंबर 40 दिन की पैरोल, किस लिए? क्योंकि आदमपुर में असेंबली बाय पोल थी। 2023 में 40 दिन की पैरोल। 2023 में 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक 30 दिन की पैरोल, क्यों? क्योंकि हरियाणा में पंचायत के इलेक्शंस थे। 2023 में फिर से 21 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 21 दिन की फरलो, क्यों? क्योंकि राजस्थान में असेंबली इलेक्शंस थे। 2024 में 19 जनवरी से 10 मार्च तक की पैरोल, क्यों? 2024 में 13 अगस्त से लेके अब 2 सितंबर तक 21 दिन की पैरोल, क्यों? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस है। है ना एक बड़ा खूबसूरत सा पैटर्न। जैसे जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होते हैं, गुरमीत राम रहीम सिंह जेल से बाहर प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, हरियाणा के 2014 विधानसभा चुनाव में डेरे ने, जो ये डेरा सच्चा सौदा है, इसने खुल के बीजेपी का सपोर्ट किया। कुछ लोगों का ये मानना है डेरा सच्चा सौदा के सपोर्ट के चलते ही 2014 में बीजेपी सरकार हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आई। सिरसा में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद डेरा सच्चा सौदा की तारीफ की। हालांकि गुरमीत राम ने इनका नाम नहीं लिया, क्योंकि उस समय पर उन पर केस, ये जो रेप का केस है, ये जो रेप का चार्ज है, दोष है, ये साबित हो गया था, लेकिन तारीफ की। गुरमीत राम रहीम ने मोदी जी के एक काफ़ी पॉपुलर मिशन स्वच्छ भारत अभियान में भी पार्टिसिपेट किया। अक्टूबर 2014 में मोदी जी ने ट्वीट भी किया और इसमें बाकायदा गुरमीत राम रहीम का नाम लिया। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। मोदी जी ने कहा, अप्रिशिएबल एफर्ट बाय बाबा राम रहीम जी एंड हिज टीम विल मोटिवेट पीपल अक्रॉस इंडिया टू ज्वाइन स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों, ढेर सारे लीडर्स गुरमीत राम रहीम सिंह के साथ नजर आए, चाहे वो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हों या और भी बड़े बड़े नेता, हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज, कई बार इन लीडर्स को गुरमीत राम रहीम के साथ स्टेज शेयर करते हुए देखा गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब फिर से गुरमीत राम रहीम बाहर हैं, पैरोल पर हैं 2 सितंबर तक, क्यों? क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है। हरियाणा के लोगों से मेरी एक ही अपील है, क्या ऐसे इंसान के कहने पर हमें किसी पार्टी को वोट देना चाहिए जिस पर रेप का चार्ज साबित हो चुका है, मर्डर का चार्ज साबित हो चुका है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आप सभी से मेरी यही दरख्वास्त है, वोट वाइजली, अपना कीमती वोट सोच समझ कर दें
कि सरकार को देना है, कि सरकार ने काम किया है उसको दें, किसी ऐसे फ्रॉडिये रेपिस्ट हत्यारे बाबा के कहने पर किसी को वोट ना दें। अब कुछ लोग आएंगे राम रहीम के सपोर्टर, नहीं हमारे इनको पता है क्या कहते हैं, शायद पिताजी कहते हैं इनको। और गुरमीत राम रहीम का दिमाग इतना पैदल हो चुका है, वो अपने नाम के पीछे इंसान लगाता है, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, यानी गुरमीत राम रहीम को बताना पड़ रहा है कि मैं इंसान हूँ। हाँ हमें पता है तू इंसान है, लेकिन तू इंसान नहीं है, तू जानवर है, तू रेपिस्ट है, तू हत्यारा है। और ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग कितने बुद्धि से पैदल होंगे वो आप सोचिए। हाथ जोड़कर आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, धर्मी लोगों से कहीं ज़्यादा बड़ा है, ये नहीं समझ पाएंगे धर्म को। और ऐसे लोग धर्म को समझाएंगे जो खुद बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं और फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं श्री कृष्ण से, इनको धर्म का धैर्य भी नहीं मालूम होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, एट द एंड अपील यही है कि अपना वोट सोच समझ कर दें, ऐसे लोगों से दूर रहें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने माँ बाप की सेवा करें, वही असली धर्म है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने परिवार, ग्रुप और खासकर हरियाणा के लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।